कस्बे के रूप सुकून गौशाला में शनिवार को आयोजित गौ सेवा कार्यक्रम में प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी जगदीश टाक ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि समाज सेवा के साथ ही अमुक प्राणियों की सेवा दान पुण्य के रूप में की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, इससे सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होती है। कार्यक्रम में करीब 5 क्विंटल लापसी और हरा चारा सैकड़ों गायों को खिलाया गया। इस दौरान राधेश्याम टाक, देवेंद्र टाक, विजय सिंह, रमेश, शर्मिला देवी, मुन्ना देवी, शांति, कैलाश देवी, मंजू, चंपा देवी, अर्चना, खुशबू, चांदनी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गौशाला बोरला में टाक परिवार की तरफ से गौशाला में गायों को लाभ सिखलाई गई है और कल चंद्रग्रहण था। चंद्रग्रहण के बाद हमारे हिंदू की परंपरा है कि दान पुण्य किया जाता है, तो आज टांग परिवार जड़ाजो के द्वारा गायों को रूप लापसी खिलाकर दान किया गया है। और चार चंद्रग्रहण व सूर्य ग्रहण के पश्चात हमारे हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि हमारे यहाँ पर दान धर्म पुण्य किया जाता है, तो यहाँ रूप सगुन गौशाला के अंदर हमारे टांग परिवार के द्वारा 4 क्विंटल के लाभ से गायों को दान की गई।